एक बार फिर खाकी के ऊपर दाग लगा है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीनागंज एसडीओपी को एक शिकायती आवेदन दिया गया था, जिसमें युवक ने अपने साथ हुई बर्बरता को लेकर आवेदन दिया था। मृगवास निवासी गिरीश और दशरथ सिंह ने आवेदन बीनागंज एसडीओपी के देने के बाद गुना कलेक्ट्रेट में भी दिया था। शिकायती आवेदन में मृगवास चौकी में पदस्थ थाना प्रभारी पर आक्षेप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने इन दोनों युवकों को थाने में बंद कर उनके साथ मारपीट की और यह सब हुआ सिर्फ एक कंफ्यूजन के चक्कर में। इतना ही नहीं, युवकों ने इसकी शिकायत आवेदन में यह तक लिखा है कि पुलिस के द्वारा उनकी गाड़ी छोड़ने के एवज में 25,000 रुपए भी लिए गए। कहा गया कि 27 सितंबर को सोयाबीन कटवाने के लिए दोनों युवक मृगवास से मजदूर लेने के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोग जुआ खेलते देखे गए, जिन्होंने पुलिस को आता देख सभी लोग भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने इन दोनों युवकों को भी पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। दोनों युवकों ने बताया कि वह जुआ नहीं खेल रहे थे बल्कि मजदूरों को लेने के लिए जा रहे थे। शिकायती आवेदन में यह भी कहा गया कि पुलिसकर्मियों ने उनके पास रखा हुआ 57,000 रुपए भी ले लिया और मोटरसाइकिल छुड़ाने के एवज में 25,000 रुपए भी लिए। अब देखना यह होगा कि इन युवकों ने जो शिकायती आवेदन दिया है क्या वह सही है, और यदि वह सही है तो थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई होती है। सर, मेरे को मजदूर लेने के लिए गए थे लोधीपुरा, पुलिस वालों ने पकड़ के मारपीट करी, मेरे से पैसे छुड़ाए, इसलिए यहाँ शिकायत करनी है। तो क्यों मारा, किस क्या कारण था? वो बोला कि तुम जुआ खेलने आए हो। मेरे ने बोला सर नहीं, मैं जुआ नहीं खेलने आया हूँ। नहीं, मारपीट करी उन्होंने, हम मेरे से 27,000 रुपये नकदी छुड़ा लिए, 10,000 रुपये वहीं पर छुड़ा लिए थे, 10,000 छुड़ाने के लिए मेरे को और 10,000 बाइक के लिए। कौन से थाने घटना है? मृगवास थाना की। किसने मारा आपको? दीपक भदौरिया, थाना प्रभारी। तो बाकी के आपके पास कोई, आपने लिखित में शिकायत करी वो थाने में? नहीं सर, मैंने थाने में भी नहीं करी, यहीं पर आया था एसपी साहब के पास। यहाँ किसको दिया आवेदन आपने? एसपी साहब के। आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया है कि एफआईआर वगैरह की है कुछ? नहीं सर, मेरे को मालूम अकारण मारा। हाँ।